नमस्कार, मैं संजना भारद्वाज आज बनाने जा रही हूँ मटर मशरूम। ये एक हेल्थी और टेस्टी रेसिपी है। आइए इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए देखते हैं। ये बॉयल किया हुआ मटर है 300 ग्राम और हमने 200 ग्राम मशरूम लिया है। चॉप धनिया है, एक ग्रीन चिली है जिसको हमने काट लिया है। ये एक इंच अदरक है जिसको भी हमने काट लिया है। ये थोड़ा सा मावा है। ये टमाटर प्यूरी है। मशरूम बनाने के लिए कुछ मसाले हैं, इनमें से हम यूज करेंगे। जो भी मसाला हम यूज करेंगे आपको बताएंगे। अब बनाना शुरू करते हैं। हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई के अंदर थोड़ा ऑयल डालेंगे। चौथाई स्पून जीरा डाल देते हैं। जीरे के बाद हम थोड़ी एक पिंच हींग डाल देते हैं, लाल मिर्च डाल देते हैं और हल्दी भी डाल देते हैं। इस तरफ थोड़ा धनिया पाउडर डाल देंगे। इन सबको मिक्स करेंगे अच्छे से और इसके अंदर अच्छे से चलाते रहेंगे। थोड़ा अदरक कटा हुआ है इसको भी डाल देंगे और हरी मिर्च दो बारीक कटी हुई वो डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे। हाफ टेबल स्पून हम नमक भी डाल देंगे क्योंकि नमक से हमारे टमाटर जल्दी से मैस हो जाएंगे, इसलिए हमने नमक को पहले ही डाल दिया है। इस तरह से चलाते रहेंगे बिल्कुल हमको ग्रेवी। अब हमारे सारे टमाटर मैश हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा मावा डाल देंगे क्योंकि मशरूम मटर में मावा डालने से अलग ही स्वाद आ जाता है। मावा को भी मैश कर देंगे। अंदर प्याज लहसुन का तड़का भी दे सकते हैं। इस तरह लगभग हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। अब थोड़ा सा इसके अंदर हम टमाटो सॉस भी डालेंगे, इससे कलर भी आता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। थोड़ी सी टमाटो सॉस डाल दिया हमने। हमारी ग्रेवी बन चुकी है। अब हमने मटर को बॉईल करके रखा हुआ है और इसके अंदर डाल देते हैं और एक बार चलाएंगे इसे। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, बिल्कुल आधा कप, और इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। इसको लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं एक बार नीचे चलाकर। इस तरह से अब हम इसके अंदर मशरूम डाल देते हैं और मशरूम को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर 5 मिनट के लिए फिर ढक के रख देंगे। गैस को हमको बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखना, थोड़ा इसको कम कर देते हैं। अब हम बीच में एक बार और देखते हैं। इसको 2 मिनट और ढककर रखेंगे। सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। हमारी सब्जी बनकर तैयार है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं और गैस को ऑफ कर देते हैं।
मिक्स कर देंगे। इस तरह से हमारी मटर मशरूम की सब्जी बनकर तैयार है। आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें।